व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 76, डेट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो हमारा 52nd अमेंडमेंट है 1985 का, प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की, किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। और इस पर्पज़ के लिए उसने जो चेंजेस किए 4 आर्टिकल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ऐड किया एक नया शेड्यूल, डेट इज़ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। लेटर जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, मेड वन चेंजेस इन द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। इट ऑप्टेड एन एग्जेम्पशन प्रोविजन, डेट इज़ उसने प्रोविजन हटा दिया गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नोट अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट है, स्प्लिट के केस में जो अप्लाई नहीं हो रहा था उसको हटा दिया। अब स्प्लिट के केस में भी डिफेक्शन होगा। आगे देखते हैं जो प्रोविजन है इस एक्ट के, कि जो 10th शेड्यूल कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो पहला है डिस्क्वालिफिकेशन, इसके अंदर है कि मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो मेंबर होता है हाउस का वो बिलोंग करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो डिस्क्वालीफाई तब होता है फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस अगर वो वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की दे देता है, और नोट एंड इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच डायरेक्शन कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने इशू की थी। कि फर्स्ट, कि अगर वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की गिव अवे कर देता है, और सेकंड, कि अगर जो भी डायरेक्शन उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने दी थी कि इस डायरेक्शन में बोलना है या काम करना है, वो उससे अगेंस्ट वोट करता है, और तो विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन उस पॉलिटिकल पार्टी से, और एज सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडेंड बाय द पार्टी विद इन 15 days। और ये इसने इन्फॉर्म भी नहीं किया ऐसा 15 days के अंदर, तो इन सब केसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और फ्रॉम द अबव प्रोविजन ये क्लियर है कि जो मेंबर इलेक्टेड, जब मेंबर इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट शुड कंटिन्यू इन द पार्टी एंड ओबे द पार्टी डायरेक्शन, की इस प्रोविजन से ये क्लियर हो जाता है कि जो मेंबर पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होते हैं उन्हें जो पार्टी के डायरेक्शन को ओबे करना ही पड़ेगा। अब सेकंड है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स, कि एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ अ हाउस जो इलेक्टेड होते हैं विदाउट बीइंग सेट अप एज अ कैंडिडेट बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द हाउस अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं हाउस के, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस अगर वो भी ज्वाइन कर लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, उसके इनके लिए जो 6 महीने का टाइम रखा हुआ है कि 6 महीने के बाद अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन उनका निश्चित है। दिस मीन्स डैट ही मे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ टेकिंग सीट इन द हाउस विदाउट इन्वाइटिंग दिस डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब ये कि 6 महीने के लिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं कि विदाउट ये डिस्क्वालिफिकेशन को वो इनवाइट करें, और 6 महीने के बाद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं कि द अबव डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये अप्लाई नहीं होगी इन मैटर्स में, इफ़ द मेंबर गोज आउट ऑफ द पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी। अगर कोई मेंबर पार्टी से बाहर गया है एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर दो पार्टी का दूसरी पार्टी में, मर्जर कब होता है? जब 2/3 मेंबर के पार्टी के एग्री कर देते हैं उस मर्ज करने के लिए पार्टी को दूसरी पार्टी में। सेकंड, इफ़ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, अगर वो उस हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है बनने जाता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो वॉलेंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ दिस पार्टी और रिजॉइन इट आफ्टर ही सीज टू होल्ड दैट ऑफिस। दिस एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द व्यू ऑफ द डिग्निटी इन इम्पार्शियलिटी ऑफ दिस ऑफिस। जब उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है उस हाउस का, मीन्स लोकसभा के अंदर स्पीकर, और जो राज्यसभा में है हमारे ये चेयरमैन, तो जब भी वो प्रिसाइड करता है हाउस को तो वो वॉलेंटरी मेंबरशिप दे सकता है अपनी पार्टी की, और उसे रिज्वाइन कर सकता है पार्टी को जब वो उस ऑफिस को, जेट इज स्पीकर और चेयरमैन को छोड़ता है, तो दोबारा वो पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और ये एग्जेम्पशन इसलिए दिया गया है ताकि डिग्निटी और इम्पार्शियल रहे जो ऑफिस उसको दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात नोट की जानी चाहिए, डेट द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल
पर्टेनिंग टू एग्जेप्शन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ, जो स्प्लिट के केस में था कि जिसमें 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव पार्टी के हैज़ बिन की एग्री करते थे तो स्प्लिट हो जाता था, वो डिलीट कर दिया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। इसका मतलब है कि डिफेक्टर हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ स्प्लिट, कि जैसे मर्ज होते हैं जिसमें 2/3 अगर मेंबर मान जाते हैं तो पार्टी मर्ज हो जाती है, इसी तरीके से स्प्लिट होने में भी तो उसमें 1/3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब जो 91st जो अमेंडमेंट है 2003 का, उसने अब कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी है डिफेक्टर्स को जो है, अगर वो मर्ज जो स्प्लिट होते के ग्राउंड में अगर वो स्प्लिट करते हैं तो वो पक्का डिस्क्वालीफाई होंगे। अब थर्ड है डिसाइडिंग अथॉरिटी। सो कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो डिस्क्वालिफिकेशन है अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, तो ये पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनली जो एक्ट था उसने प्रोवाइड किया था कि जो डिसीजन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वो फाइनल है, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो क्योटो होलोमन केस था 1993 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये प्रोविज़न है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है ऑन द ग्राउंड डेट ये जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का उससे ले रहा है। इट हेल्ड डेट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जब वो वाइल डिसाइडिंग अ क्वेश्चन अंडर 10th शेड्यूल और फंक्शन एज अ ट्रिब्यूनल, हैंस इसके डिसीजन में लाइक डेट अंडर ट्रिब्यूनल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, किस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड प्रिजर्विटी एक्सेट्रा, बट द कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेंशन दैट द वेस्टिंग ऑफ एडजुडिकेटरी पावर इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज बाय इट इटसेल्फ ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल बेसिस। लेकिन पॉलिटिकल बेसिस पे उस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका रिव्यू नहीं होगा, वो होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड और प्रिजर्विटी एक्सेट्रा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फोर्थ है रूल मेकिंग पावर, किसके पास है, वो भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस की, वो भी एम्पायर है, एम्पावर्ड है टू मेक रूल्स एंड गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल, और जो भी सच रूल्स होते हैं वो हाउस के सामने रखे जाते हैं 30 दिन के लिए, हाउस उनको अप्रूव भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और डिसअप्रूव भी कर सकता है। फर्दर इट ही मे डायरेक्ट दैट कि एनी विलफुल कंट्रवेंशन बाई एनी मेंबर ऑफ सच रूल्स बाई एनी मेंबर ऑफ सच रूल्स मे बी डील्ड विद द सेम मैनर एज द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस, और इन रूल्स को कोई भी अगर तोड़ेगा कोई भी मेंबर तो उसी मैनर में ले जाएगा जैसे जो प्रिविलेज होती है हाउस की उन्हें ब्रीच किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड सो, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कैन टेक अप अ डिफेक्शन केस ओनली वैन ही रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम अ मेम्बर ऑफ द हाउस, वो डिफेक्शन का केस तभी कंसिडर करता है जब कोई भी वो कंप्लेन लेता है किससे, नॉट फ्रॉम अ ऑर्डिनरी पर्सन बट बाय द मेंबर ऑफ द हाउस, वो जो हाउस का कोई मेंबर ही कंप्लेन करता है। बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन ही मस्ट गिव द मेंबर जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुई है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने एक्सप्लेनेशन सबमिट कर सकता है। ही मे ऑल्सो रेफर द मैटर टू द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर इंक्वायरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंस जो डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट और ऑटोमेटिक इफेक्ट, तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि राइट और रॉन्ग के लिए दे देगा ऑप्शन में कि डिफेक्शन हैज़ इमीडिएट और ऑटोमेटिक इफेक्ट, तो आपको गलत लगाना है बिकॉज डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट और ऑटोमेटिक इफेक्ट। अब देख लेते हैं इवोल्यूशन इस एक्ट का, कि जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का विच एम्बॉडीज द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो डिज़ाइन है कि वो प्रिवेंट कर सके इविल और मिसचीफ पॉलिटिकल जो डिफेक्शन है जो मोटिवेट किया गया बाय द लॉ ऑफ ऑफिस और मटेरियल बेनिफिट और अदर सिमिलर कंसिडरेशन। इट इज़ इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक एंड इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बाई कर्बिंग अनप्रिंसिपल और अनएथिकल पोलिटिकल डिफेक्शन, बाई जो अनप्रिंसिपल और अनएथिकल पोलिटिकल डिफेक्शन है उनको ख़त्म करके। राजीव गांधी जो देन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको बोला फर्स्ट स्टेप टूवर्ड क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ। द देन सेंट्रल लॉ मिनिस्टर जो थे उन्होंने स्टेट किया डेट द पासिंग है 52nd अमेंडमेंट एक्ट का, डेट इज एंटी डिफेक्शन बिल, बाय एन अनिमस वोट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक प्रूफ है कि ये सब ने बिना ही किसी रुकावट के जो पास करा बिल उस वो एक प्रूफ है कि इफ़ एनी ऑफ द मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वाज अ प्रूफ इफ़ एनी ऑफ द मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो ये प्रूफ है मेच्योरिटी का और स्टेबिलिटी का हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं, फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एडवांटेजेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द बॉडी पॉलिटिक्स बाई चेकिंग द प्रोपेंसिटी ऑफ द लेजिस्लेटर, कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है उसे चेक करके तो उससे ग्रेटर स्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिक्स के अंदर।
और फैसिलिटेट करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रियलाइनमेंट है किसी भी पार्टी का इन द लेजिस्लेचर बाय वे ऑफ मर्जर ऑफ पार्टी, कि इसमें मर्जर अलाउ है, तो उस केस में वो जो डेमोक्रेसी है मिलजुल के काम करने वाला उसके तरफ भी फैसिलिटेट करता है और रिड्यूस करता है करप्शन पॉलिटिकल लेवल पे, एज वेल एज नॉन डेवलपमेंट जो खर्चा होता है जो इरेगुलर इलेक्शन में होता है, बिकॉज ये स्प्लिट का केसेस उसमें भी डिस्क्वालीफाई होता है, किसी मेंबर का ज्वाइन करना पार्टी उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे इसके मेथड के थ्रू वो करप्शन को रोकता है। इट गिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज कि उनको ज्वाइन करेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा जो उसका इलेक्टेड मेंबर होगा। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि दो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हेल्ड एज अ बोल्ड स्टेप टूवर्ड क्लीनिंग अवर पोलिटिकल लाइफ को और स्टार्टेड अ न्यू अपोच इन द पोलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, इट हैज़ रिलीव्ड मैनी लिक्विन इन इट्स ऑपरेशन और फेल टू प्रिवेंट डिफेक्शन इन टोटो, इट केम टू बी क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, इट डज नॉट मेक अ डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन, और ये कर ये ख़त्म कर देता है जो लेजिस्लेटर का राइट है टू डिसेंट ऑफ फ्रीडम अपनी बात कहने का, बिकॉज उसके पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शन है उसमें ही वोट करना होता है। थस इट क्लियरली पुट्स पार्टी बोजिम्स ऑन द पेडेस्ट्रियल एंड चेंशेंट टेरनी ऑफ द पार्टी इन द नेम ऑफ द पार्टी डिसिप्लिन, जो मैं आपको ऊपर अभी बता रहा हूँ कि एक पार्टी की ही ट्रेनिंग हो जाती है ये डिक्टेटरशिप कि उसकी डायरेक्शन में ही उसको बोलना होता है। सेकेंड, इसका जो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल डिफेक्शन एंड ग्रुप डिफेक्शन वो इरेशनल है, इन अदर वर्ड कहें कि ये बैन करता है केवल रिटेल का डिफेक्शन एंड लीगलाइज करता है होलसेल डिफेक्शन, मींस इन द सेंस कि इसमें मर्जर की बात की जा रही है कि जब ग्रुप डिफेक्शन है उसको तो अलाउ किया जा रहा है कि मतलब ग्रुप रूप से जब जो मर्जर करते हैं, लेकिन जो सिंगल इंडिविजुअल जब कोई ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और सिमिलरली स्प्लिट भी जब स्प्लिट करता है बाय वन थर्ड मेंबर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। थर्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्सपल्सन ऑफ अ लेजिस्लेटर फ्रॉम हिज पार्टी फॉर इट्स एक्टिविटी आउटसाइड द लेजिस्लेटर, कि उसके लिए भी प्रोवाइड नहीं करता कि जो भी मेंबर अपने आउटसाइड जो उसका कानून से बाहर जो काम करता है, और डिस्क्रिमिनेशन जो करता है बिटवीन इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर में वो भी इलॉजिकल है। अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वाइल जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो अलाउ किया हुआ है, ये आपने देखा 6 महीने तक वो अलाउ है, तो ये इलॉजिकल बात है। फिफ्थ है कि इट वेस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो इन्होंने दी हुई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, वो दो ग्राउंड पे क्रिटिसाइज करते हैं। फर्स्टली, ही मे नॉट एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी इन एन इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव मैनर ड्यू टू पॉलिटिकल एग्जिस्टेंसी, इन्होंने बोला है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होके एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अपनी पावर। सेकेंडली, उन्हें लीगल नॉलेज की भी कमी है और एक्सपीरियंस कि जो केसेस को एडजुडिकेट डिसीजन दे सकें। इनफैक्ट जो दो स्पीकर थे लोकसभा के, रबी रे 1991 के और शिवराज पाटिल 1993 के, हैड देनसेल उन्होंने एक्सप्रेस किया है डाउट ऑन देयर सूटेबिलिटी की वो इन केसेस को एडजुडिकेट कर सकते हैं। अब 91st अमेंडमेंट देखते हैं 2003 का, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न फॉर इनएक्टिंग द 91st अमेंडमेंट आर एज फ्लोज, कि देयर इज अ डिमांड होती टाइम टू टाइम इन सर्टेन क्वार्टर फॉर स्ट्रेंथनिंग और अमेंडिंग करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल के अंदर है, ऑन द ग्राउंड डेज दीज प्रोविजंस नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और जो 10th शेड्यूल है ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड डेट ये अलाउ करता है बल्क डिफेक्शन, हमने जो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और इंडिविजुअल जो डिफेक्शन होता है उसको इलीगल बता देता है ये प्रोविजंस। द प्रोविजन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन केस ऑफ स्प्लिट एज प्रोवाइडेड इन द 10th शेड्यूल हैज़ इन पर्टिकुलर कम अंडर सीवियर क्रिटिज्म ऑन अकाउंट ऑफ डिसस्टेबलाइजेशन इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट, जो 91st अमेंडमेंट हमने देखा ही रहे हैं उसका, तो उसने भी जो स्प्लिट का केस है जिसमें 1/3 मेंबर अगर एग्री कर दें तो स्प्लिट हो सकता है, तो उसमें भी डिफेक्शन अब होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, अब वो प्रोटेक्ट नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखते हैं सेकेंड, जो कमेटी होती है इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे अभी करंट अफेयर में भी चल रही थी दिनेश गोस्वामी कमेटी की, जो कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म अपनी रिपोर्ट में 1990 की, और जो लो कमीशन ऑफ इंडिया की है वो अपनी 170th रिपोर्ट में ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल रोल में, और जो हमारी जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी रिपोर्ट 2002 में, वो कहती है कि इंटर आलिया
रिकमेंडेड ओमिशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल पर्टेनिंग टू एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट। इन सब ने ही जो रिकमेंड किया है कि जो प्रोविज़न है 10th शेड्यूल का जो स्प्लिट के केस में जो एक्सेप्शन है उसको ओमिट करना चाहिए। लेकिन जो अब थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि जो नेशनल कमीशन है फॉर रिव्यू करने के लिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो व्यू था कि जो डिफेक्टर है उसे पिनलाइज करना चाहिए, उसके जो उन्हें बैन करना चाहिए कि वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड ना कर पाए एज अ मिनिस्टर और कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट को ना ले पाए एटलीस्ट जो ड्यूरिंग द टेन्योर जो लेजिस्लेचर का रहेगा जिसके दौरान वो डिस्क्वालीफाई हुआ है और एंटिल द नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शन जो भी अर्लियर हो। और जो इस कमेटी ने बोला है ये ऑब्जर्व किया है कि जो एबनॉर्मली लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर और स्टेट लेवल पे, और इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया जाए चाहिए लॉ के थ्रू और सीलिंग लगानी चाहिए लिमिट कि कितने नंबर ऑफ मिनिस्टर स्टेट के और यूनियन गवर्नमेंट के टू बी फिक्स्ड मैक्सिमम की वो 10% होने चाहिए जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब प्रोविज़न देखते हैं इसके कि 91st अमेंडमेंट था जो 2003 का उसने फॉलोइंग प्रोविज़न करें जिससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज लिमिट हो सके एंड टू डिबार डिफेक्टर फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, उनको भी बैन किया है कि वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकें और स्ट्रेंथ करें एंटी डिफेक्शन को। फर्स्ट कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से एक्सीड नहीं करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। सेकेंड जो मेंबर है ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जो डिस्क्वालीफाई है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वो ऑल्सो गट डिस्क्वालीफाइड कि वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग CM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो 15% एक्सीड नहीं करेंगे टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की, और जो मिनिमम है इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर वो 12 से कम नहीं हो सकते। और मेंबर है जो आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो किसी भी अगर पार्टी को बिलोंग करता है सेम अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे तो वो अपॉइंट नहीं होगा मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर के लिए भी वो डिस्क्वालीफाइड ही है। फिफ्थ है कि अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है जो डिस्क्वालीफाई हो चुका ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड एनी रिमुनरेटेड पोलिटिकल पोस्ट, उसके लिए भी वो डिस्क्वालीफाई है। अरे इस रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का मतलब है कोई भी ऑफिस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे सैलरी और रिमुनरेशन है वो पब्लिक रेवेन्यू से पे किए जा रहा हो गवर्नमेंट के, और एनी ऑफिस अंडर बॉडी फेयर इनकॉर्पोरेशन और नोट विच होली और पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया हो और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया हो और उसकी सैलरी और जो रिम्यूनरेशन है वो पे किया जा रहा हो उस सच बॉडी से एक्सेप्ट वेयर सच सैलरी और रिम्यूनरेशन इज पेड इन कंपेंशेंट्री इन नेचर। इज़ वेरी इजी, आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए इसका मतलब। सिक्स देख लेते हैं कि जो प्रोविज़न है 10th शेड्यूल का डेट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ पर्टेनिंग टू एक्सेप्शन जो स्प्लिट के केस में हुआ था बाय 1/3 मेंबर से लेजिस्लेटिव पार्टी के वो भी डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब है जो डिफेक्टर है उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ स्प्लिट। और वेरी इंपॉर्टेंट जो नोट्स रेफरेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो अपने फर्स्ट पैराग्राम में पढ़े थे कि चार आर्टिकल जो थे कि आर्टिकल 101, 102 उसमें चेंजेस लाए गए थे 190 एंड 191 विच रिलेटेड टू द वैकेशन ऑफ सीट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये पूछ लिए जाते हैं जो